हम इसी में ऐड कर लेंगे जरा, कितना मुश्किल से। बस लाखों का सामान मेरा कोई नहीं है जिस पर रहते हैं, कोई नहीं, बस मेरा हस्बैंड, वो उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसको फॉरेन बॉडी से डाली है, वो कमाने वो पकाने ये चलने के काबिल भी नहीं है। मैंने उसकी बचाने की कोशिश की लेकिन सामान का कुछ नहीं किया, कहाँ गया, क्या गया, क्या है उसका, उसका मैंने ये फिक्र ही नहीं की, सिर्फ अपने हस्बैंड की फिक्र की मैंने, बस यही है मेरा बस अल्लाह हिफाजत में रखे और हमें भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं हूँ आपके साथ रुफ़ायदा मंजूर। जैसे कि कल रात 9:15 के करीब एक आग की होलनाक वारदात जो है पेश आती है राजौरी कदल में, जहां पर बताया जा रहा है कि 5 से 6 मकान जो है जलकर खाकस्तर हो गए हैं। आपने विजुअल्स में भी देखा होगा कि कितने मकान खाकस्तर हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा है यहां का। ऐसे कई सारी आग की वारदातें हमने देखी है और हमने ये सारी बातें जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचाई है ताकि ऐसे लोगों की मदद की जाए, क्योंकि जब एक आग लगती है तो एक फैमिली मेम्बर ही जानता है कि उस पर क्या बीतती है, और अगर आग उतनी डैमेज नहीं कर पाता लेकिन पानी से सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो विजुअल्स में भी आपने देखा होगा कि कितनी डैमेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हमारे साथ एक फैमिली है जो कि विक्टिम है, जो कि यहाँ पर उनके मकान में भी आग लगी है। उनसे जानते हैं कि आग कैसे लगी और कितने मकान यहाँ पर फुली डैमेज है और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी। नाम मालिक हसन अब्दुल गफार भट, मे नाव हमीदा भट। अस खो बत वाई दस थोड़ा अति न्यूज व्यूज बोजान अथ मज गई क्रेख यह नार इजहार गोमुत येनस प्लास्टिक वलिस अच्छा त पता कह, मगर ये द्राय युकन नार यूत गोमुत आप कि तेस योतनस जम अस त्रोव सोरे अति वह द्राय नार रूद बराबर 3:30 बजन रोचन ताम तोतम मानव ये 3:30 तम वह बम वम कहें ना पता आई पता आई ना तिमन वो फोन तिमन वो फोन तिंद तेन गलती कें तो सन तेन गलती कें तोतम ये क्या लकट बचे आब ये टैंकी वैंकी यम ठीक सारे मानन डैमेज कर योतम मगर यानस मकान चुको लास्टस तो यह हेचन यून तो लास्टस आ पत् यह 3:30 बजन रोचन तम दजान हे ये अंदर अत सोर अस मे सामान सफाई करान वंद सफाई करान तो मे थम सोर सामान नबर कुन कड़ित कालीन हो ये सह मे वन पाई कह सू मे इनवर्टर चु बकाया चीज तम गैस मचि तम कचम ना चीर आम चीर सह नू पे मोन हस्बैंड तमिस पुर्मुत ना बे मोर सु ना तम पत् आई बे दि बजे रोस तम तम दपे वनस तम आम तम आई तो तम पुस तो बाकी पॉलिटिशन नो तम आई ना कहें बकाया आव डी सी आम पटवारी साहब आया अभी अभी आपसे पहले तो तमो तमो वो सिर्फ युत नाव बे वनो मोल सू नाव क्या बस ये तमो कर्म कत बा मे पता कह क्या नूक लेखित क्या कुर तेस पता कह बे आई तह लकट बचि तो तमो तम लड़की सत वो मे कड़नस दोपन ऐ वन मे बह पृे ऐ पत् आया सो लड़की दपनस वल वो हर कि युत बाकी सोरे ठीक तुम तो ठीक अस ठीक अल्लाह ताला करो तह तो आबाद तुम तो बचि अस कर जान बचे लाखों बचे। आपको बताते चले कि जब भी आग की वारदात सामने आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 से 10,000 रुपये इनको दिए जाते हैं, जिससे कुछ नहीं होता है। एक पूरा मकान डैमेज होना और उस पर 10,000 देना ये काफ़ी इनजस्टिस है। हम भी गुजारिश करते हैं कि इन पर एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई आग की वजह से उनका मकान डैमेज हो जाए तो उन्हें कोई ऐसी इमदाद मिले जिससे वो अपना घर बसा सके, घर अपना वापस से खड़े कर सके, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर यहाँ पर कोई नहीं आया है। आइए हम कोशिश करते हैं और कुछ लोगों से बात करने की और आप तक पहुँचाने की कि उनके उनके हिसाब से कि क्या मसला हुआ था और कितने मकान यहाँ पर डैमेज हुए हैं।
यहाँ पर एक और फैमिली मेंबर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक इनका भी पूरा जो है मकान जल गया है। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इनके मकान में कुछ नहीं बचा है। इनका मानना नहीं बल्कि हमने खुद देखा कि पूरे तरीके से जो है आग की वजह से खाकसर हो चुका है। तो वनो पनो नाव तो बेदे पे नार के पड़ लो यस में ना यस लोग इम्स प्लास्टिक वाले नार हंग तमांग नाई बजर वस को काड़ा अस आने फुर्सत क्या काड़ा अस बचो पत पानी पान मे दूत सोरी जायदाद वायदाद सोरी मटेरियल तो दो सारे दो दूम कहीं रूद बिहनस लायक रूद कहीं वह खुद पत सोरी गो फायर सर्विस आव टाइम फायर सर्विस आव ठीक टाइम पे मगर आब उस कहें आब मा शाम यप कहें तमी मा गो ज्यादा ठीक। तो कूत मकान पाँच शे मकान दूत डैमेज गो डैमेज कूत गो यप तमिस गो क्रकर वालस गो डैमेज अस तक यमिस तो हमसायस अमिस तो अमिस दोस तदार जायदार तदस बे रूदस नुन क्या अद सा तु मे ये सोर् बन उस कहें ये मे सोर् तोमल त्रे कोटल ना 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 ये ये फैमिली बे क्या ये गरीब पत्थर योर आव एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ना ना वो आव ना तो वन तुम क्या अपील रोज अस कर गवर्नमेंट मदद क्या ना तो पत्थर अस कर बेहम सोच पे मे ओतान तो लोन कोड़मुत खानदारन दह लक्ष रोपये खुद पे मकान पे अद बनाय यह मकान मे तैयार पानस मकान तन जन तनाय जोर यह वन गोम वरी योर वायस बहु ओत योर वन मे चीज तर योर मे पाई मे कत क्या चीज वो गोम वारे वे बिल्कुल अत कुछ तो आपने देखा कि एक आग जब लगती है तो इंसान को नीचे गिरा देती है, आसमान पे होता है तो वो ज़मीन पर आ जाता है। तो हम भी गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो 5 या 10 हज़ार की मदद ना करके सामने आकर दिल खोल के इनकी मदद करे, जबकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर कहती है कि डेवलपमेंट और हम लोगों के लिए है। कहाँ है अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। रात के 9:15 के करीब यहाँ पर आग लगी है और अभी दिन के 11:12 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई भी नहीं आया है। अगर इलेक्शंस होते तो वोट मांगने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आते और मॉर्निंग में ही आ जाते और इनको ये आश्वासन देते कि आप लोग हमें वोट दे, आप लोगों की मदद करेंगे। लेकिन आज आग की वारदात सामने आई है और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई नहीं आई, अफसोस की बात है। अब यहाँ पर आएंगे, नाम लिखेंगे, 5-10 हज़ार की मदद करेंगे और इनको आश्वासन देंगे, इनको तसल्ली देंगे कि आपको मदद की जाएगी और 10 हज़ार के बाद इन्हें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में घुमाएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और आप लोग यहाँ पर खुद आके इनकी मदद करें। हम पूरी कोशिश करेंगे इस पर एक अलग से स्टोरी बनाने की और इनका अकाउंट नंबर उसमें हम जारी करेंगे और आपको भरपूर मदद करने की हम अपील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की हमने हालत देखी है काफ़ी ज़्यादा इंसान गमजदा हो जाता है और एक आग जब लग जाती है जानता वही है जिस पर बीतती है। तो हम अपनी कश्मीरियत को दिखाते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन अगर मदद करेगी भी नहीं लेकिन हम अपनी कश्मीरियत दिखा के इन लोगों की यहाँ पर मदद करेंगे। देखते रहे कश्मीर हेडलाइन।